أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات الصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي الحاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم أبي القاسم من محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الراشدين الشاكرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد अरबाब दानिश व अहलिम हज़रात अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन तमाम तर उलमा का, उन तमाम तर खुतबा का, तमाम तर अहल सन्न बिरादरान का कि मैंने पहली वीडियो में आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना डॉक्टर अशरफ जलाली जो कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालते हुए आए रोज़ ऐसी खराफात सोशल मीडिया पे डालता है कि जिसमें बिलखसूस बिलखसूस तौहीन अहले बैत के अक्सर उनके क्लिप वीडियोस आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम तमाम उलमा का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने दो उलमा का नाम लिया था और नाज़रे का चैलेंज डॉक्टर अशरफ जलाली का कबूल किया था, अभी कबूल कर रहा हूँ कि मैंने कहा था मेरे साथ दो सुन्नी उलमा आएंगे जिसमें पीर सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब गिलानी 33 चाक फैसलाबाद सत्याना और एक बहुत बेहतरीन खतीब मदाहे अहले बैत मदाहे आले रसूल वकील बतूल जनाब मोहम्मद यासीन कादरी साहब, वो मेरे साथ होंगे लेकिन मुनाजरा मैं अकेला करूंगा, अकेला लड़ूंगा। तो इस क्लिप के बाद सैकड़ों खुतबा उलमाए अहले तसन्नो ने मेरे साथ राबता किया, मेरे साथ चलने का, मुनाजरा लड़ने का, लेकिन मैंने यही गुजारिश की कि नहीं, ये काम, ये मुनाजरा मैंने कबूल किया चलें, लेकिन आप लोग तबारकन मेरे साथ चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम करता हूँ। उन तमाम तर उलमा का मैं मशकूर हूँ और बिलखुसून उलमा का भी मशकूर हूँ कि जिसने सोशल मीडिया पर आके हक ज़हरा में वकालत करने का हक अदा किया है, उनका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और अज़ीज़ान मोहतरम मेरा जो उनवान आज दूसरा क्लिप, आज दूसरी वीडियोस, पहली वीडियो जो तकरीबन 31 मिनट पर मुहित थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा मवाद थोड़े से वक्त में आप साहिबान की नज़र करने का मुझे शर्फ हासिल हो सके। और जनाब सईदा खतून जन्नत के हक में वकालत करने का जो मैं शर्फ हासिल कर रहा हूँ, जनाब पाक सईदा मेरी इस वकालत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। यकीनन यही वो वकालत है, यही वो कलिमात है, यही वो बीबी का हक अदा करने का, जो हक अदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हक तो अदा नहीं हो सकता उनका, तो यकीनन यही कलिमात हमारे सुनने वालों की और मेरे कहने वालों की हमारी बख्शिश का वसीला है, निजात के ज़ामन है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सूरह रूम में और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26, सूरह रूम आयत नंबर 38 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है आतिज़ अल कुर्बा हक्का हूँ कि ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद अपनी कुर्बा को अपनी सबसे एक करीबी औरत को, चैलेंज से कह रहा हूँ, कुर्बा से मुराद एक करीबी औरत है, उसको उसका हक अदा करो। तो अज़ीज़ाने मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ़सीर दौरे मंसूर का हवाला दिया और भी हवाले तीसरे क्लिप में, तीसरी वीडियो में हम आपको देंगे फ़दर के हवाले से कि आपने जबील से कहा, जबील वापस पलटे पलट के कहा कि अल्लाह तुझे हुक्म दे रहा है प्यारे हबीब मोहम्मद कि एत फातिमा ता फदकन के फातिमा को उसका हक फदक दो। तफ़सीर दौरे मंसूर में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खतून जन्नत को तहरीर लिख के दे दी थी फदक की। तो ये तो एक मुकदमा है जो मैंने आप हजूर, आप साहिबान के हजूर पेश किया है और हक़ ज़हरा में ये आया मुबारक जो कलाम पाक में सुबह क़यामत अलग मौजूद रहेगी, मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने जो पहले क्लिप में जहाँ पे बात उनकते आपसे हुई थी वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। बीबी जब दरबार में गई तो बीबी के सामने एक वक्त की ज़रूरत के तहत एक बनाई गई रवायत
कि जिसमें कहा जाता है कि हम अम्बिया अलैहिस्सलाम, तेरे बाबा की यह हदीस है कि हम अम्बिया न किसी के वारिस बनते हैं ना हम किसी को वारिस बनाते हैं, मा तरकना हो फाहुआ सदकातुन या मा तरकना हो सदकातुन, कि जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है और आपसे ये आज़ादी हैं। और तोहीन जनाब ज़हरा करते हुए भी ये जलाली कह रहा है कि सदके से बीवी को बचाया। तो इसी बात को ले लेते हैं, हक मिला या ना मिला इस पे बहस बाद में करते हैं, मगर बाद विसाले रसूल लोगों ने इतना तो तस्लीम कर लिया ना कि सदके वाले और हैं और हदिये वाले और हैं। और यहाँ पर एक और बात भी वाजा, एक और मसला भी हल हो गया कि जो ये कहते हैं कि असहाब पैगंबर हम उनका एहतराम करते हैं, हमारे लिए वो सलूट के काबिल हैं, हम उन्हें सलाम भेजते हैं, हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं, बेशक वो ज़बान का चुचरा क्यों ना हो, रंग काला ना हो, ज़ात में हबशी क्यों ना हो, हम उनके भी गुलाम हैं। और ऐसे ऐसे साहब कबार हैं कि जिसके जिसने पाक फरमाया सलेमान मिन्ना अहले बैती, कि सलेमान मेरी अहले बैत में से हैं। और ऐसे साहब भी हैं कि जिसके लिए फरमाया कि ज़मीन ने अपने धरती पर अपने सीने पे पांव रखने की इजाज़त नहीं दी, आसमान ने अपने नीलगुं शामियाना उस पर साया फिक्र नहीं किया, कि जो मेरे अबू ज़र से भी ज़्यादा सच्चा हो, यानी अबू ज़र सुल की नज़र में भी सदीक हैं। उस तरह इसी से मिलती जुलती हदीस जनाब हमारे यासर के भी लिए भी आई हैं कि वो भी सदीक हैं। पता चला कि असहाबे पैगंबर हमारे नज़दीक एक सदीक नहीं है कि मोहम्मद से वफ़ात हुए तो हम तेरे हैं। जिस जिसने भी रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ रसूल की मौजूदगी में या रसूल के बाद रसूल और अहले बैत पैगंबर से वफ़ा की है हमारे नज़दीक वो सदीक है। उनके पाँव की खाक हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद की आँखों का सुरमा, हम किसी सहाबा के गुस्ताख नहीं हैं। मगर दरबार का जो माहौल है वो आपके सामने पेश किया। बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि हम अम्बिया ना किसी के वारिस बनते हैं ना हम किसी को वारिस बनाते हैं, जो हम छोड़ के जाते हैं वो तरका सदका होता है। ये जलाली साहब ने भी ये कह दिया है कि वो सदका है। जब सामने से अपने बाबा की हदीस सुनी तो बीबी ने सर तस्लीम खम कर दी। इससे पहले नौजबल मिजालक नकर कुफर कुफर नबाशद कि वो खता पर थी, जब हक मांग रही थी नौजबिल्ला वो खता पर थी, जब बाबा की हदीस सुनी फिर अपने सर तस्लीम करी। उनकी शान है कि उन्होंने अपने बाबा की हदीस के सामने सर को खम कर दिया, तस्लीम कर ली हदीस। मगर ये नहीं बताया कि बीबी ने इस वज़ई हदीस के मुकाबला में जो कुरानी आयात पढ़ी थी, इस वज़ई रवायत की जो रद्द पेश की थी आयात के ज़रिए से, वो उसकी ख़यानत है कि उसने वो नहीं बताया कि बीबी ने कुरानी आयात पढ़ी थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बाकी बातें बाद में, मुनाजा होता रहेगा जब भी माहौल बनेगा, जब भी आप बुलाएंगे, अपने मदरसे में बुलाएं, मस्जिद में बुलाएं, अपने ऑफिस में बुलाएं। पहले क्लिप में मैंने ये दावा किया था कि पीटीवी का मैंने शर्त लगाई थी और मैंने कहा था गवर्नर हो तो लाइव पूरी दुनिया में दिखाया जाए। तो सोशल मीडिया का दौर है, हम अपने मोबाइल से भी लाइव पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अपने मदरसे में बुलाओ, अपनी मस्जिद में बुलाओ, अपने ऑफिस में बुलाओ, मैं ज़ाकिर हुसैन नकवी हाजिर खिदमत हूँ, मुनाजरा के लिए भी, मुबाहला के लिए भी। और मुबाहला अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात का हक है, क्योंकि कुरान का फैसला फ़कुल तआलू नदू बना बनाकुम वनिसान वनिसाकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल्लानत अल्लाहिल काज़िबीन। क्या प्यारे हबीब मोहम्मद, इन झूठों से कहो तुम अपने बेटे लाओ हम अपने लाते हैं, तो अपने निसा हम अपने निसा, तुम अपने नफ्सों को लाओ हम अपने नफ्सों को लाते हैं। करना क्या है, फनाजा लानत अल्लाह अल काज़िबीन, हमने मिलकर करना है झूठों पे लानत। अब ये जनाबे सैयदा खतून जन्नत मैदान मुबाहला में जा रही हैं अल्लाह की तौहीद की गवाही देने के लिए, और कितने अफसोस की बात है कि बहुत सारी माओं की खताएँ वक्तन फवक्तन जनाबे ज़हरा पर, मौला अली पर, इमाम हसन पर जो गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, वो अपनी माओ की ख़यानत को रोज़ रोशन की तरह वक्तन फ़वक्तन आश्कार करते रहते हैं, कि जो खतून जन्नत अल्लाह की तौहीद की गवाही दे सकती है वो बागे फदक में अपनी गवाही क्यों नहीं दे सकती। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि नमाज का हुक्म कुरान में मौजूद है, तफसीर मौजूद है, रोज़े का हुक्म मौजूद है, हज मनासिक हज का जिक्र है, इसके अलावा ज़कात का है, खुमस का है, जिहाद का है, और इसके अलावा तमाम तर कोई ऐसी खुशकोतर चीज़ नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। हर खुशकोतर का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो आया कोई ना तो कोई एक ऐसी आयत होगी, हदीस अपनी जगह पे ठीक है, आपने कहा हम मानने के लिए थोड़े वक्फे के लिए हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसी हदीस के लिए कुरान भी तो होना चाहिए कि जिसमें एक आयत ढूंढ के मुझे दिखा दें कि जिसमें यह लिखा हुआ कि नबियों के वारिस नहीं होते, अम्बिया जो छोड़ के जाएं वो तरका सदका होता है,
या नमाज की इतनी आयात है, 700 आयात कमोबेश मिलती हैं, रोजे की मिलती हैं, वाज़े हदी वाज़े कुरान की आयत है, या युजनामल कुतबाल मुस्म कमा कुतबाल वाज़े आयत मौजूद है, हज की आयत मौजूद है, बैतुल्ला की आयत मौजूद है, मोमिनीन की शान मौजूद है, मुनाफिकीन की मुनाफ़कत मौजूद है, इस्लाम लाने वालों के तज़किरे हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाकियात हैं, यहाँ तक के सुअर और कुत्ते का भी जिक्र कुरान में मौजूद है। सारे जिक्र कोई ऐसी खुशकोतर चीज़ नहीं है, बहर का है, समंदरों का है, नदी नालों का है, पहाड़ों का है, नबातात का है, जमादात का है, हवानात का, इंसानात का, मलाइका का, जन्नत दोजों का जिक्र है, यहाँ तक के आपके बाबा शैतान का भी जिक्र मौजूद है जो आपको लाता रहता है। हर किसी का जिक्र कुरान में मौजूद है, एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें लिखा हो कि नबी बेवारिस होते हैं। फिर मानना पड़ेगा किसी आयत का ना होना इस बात की दलील है, यह रवायत वज़ई है, वक्त की जरूरत के तहत बनाई गई, उसके फिर रावी कोई नहीं। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि हम अंबिया किसी के वारिस नहीं होते, ना हम किसी के वारिस बनते हैं, ना हम किसी को वारिस बनाते हैं, मात्र कनाओ सदका तो जो छोड़ जाए तरका वो सदका होता है, तो सबसे पहले रसूल जानते हैं कि मेरी साल के बाद मेरी बेटी ने जाना है, तो बेटी को ये समझा कर जाते कि बेटा मैं चला तो जाऊँगा, बीमारी की हालत में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद में थे, बुखार की हालत में थे, बेटी को बता देते कि अंबिया के वारिस नहीं होते। रावी कौन है? वही जिससे हक मांगा जा रहा है, इसके अलावा कोई रावी नहीं है, अबू ज़र नहीं है। अबू हुरैरा से कितनी रवायात आपने ली है? आधा दीन ली है। और उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका से आपने कितनी? आधा दीन ली है, रवायात नहीं है। मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कोई रवायत नहीं। और जितने भी इल्म रिजाल में और इल्म कलाम में जितने भी रावियान हैं, किसी से कोई हदीस नहीं मिलती कि अंबिया के बाद सिर्फ एक हदीस वज़ी। अब यहाँ पर जलाली साहब ने जो ख़यानत की है, साहब इसलिए कह रहा हूँ कि हमने सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद के मुताबिक चलना है, मैं वो कलिमात अदा करना, सैयद होने के नाते, खदीब अहले बैत होने के नाते, मैं अपनी ज़बान को गंदा नापाक नहीं कर सकता, क्योंकि पाकों के मानने वाले हैं, हमें सीरत आले मोहम्मद के मुताबिक चलना है। मैं किसी की तोहीन करना मेरे मकसूद नहीं, लेकिन वकालत जहरा करना मेरे खून में मेरे शरीर में शामिल है, क्योंकि मैं सैयद हूँ, औलाद जहरा में से हूँ, गो भले कि मैं गुनाहगार हूँ, इस मुआशरे का हिस्सा हूँ। अब यहाँ पर कहा गया कि बीबी खता पे थी, हदीस सुनी गई। अब मैं अगली बात करता हूँ, आपने हदीस का जिक्र तो किया, रवायत का तो जिक्र किया, ये नहीं कहा कि बीबी ने इसके रद में जो आयात पढ़ी हैं, और ये भी देखें कि रसूलुल्लाह की यह भी हदीस है ना कि ऐसी हदीस जो कुरान के मुतजाद हो जाए, जो कुरान के मुखालफत में आ जाए, कुरान के खिलाफ अपना मफहूम और मतालब मफाहिम देती हो, तो वो मेरी हदीस हो नहीं सकती। फरुद्दो ही रजदार, बस उसको दीवार पर दे मारो। ये नहीं हो सकता कि कुरान कुछ और कहे और साहब कुरान कुछ और कहें, ये सामत कुरान कुछ और कहे और नाते के कुरान कुछ और कहें। ये रसूलुल्लाह वमा या तो कौन हुआ इन हुआ इल्ला वहयुहा के तहत रसूलुल्लाह की ज़ात उस वक़्त तक बोलती ही नहीं जब तक उधर से अल्लाह की तरफ से वही ना आ जाए। अब अगर ये हदीस है तो कुरान की आयात इस हदीस की मुताबकत में होने चाहिए, कुरान की मतवातर आयात आने चाहिए जिसमें लिखा हो कि अंबिया के वारिस नहीं होते, अंबिया जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, वो तरका सदका होता है, लेकिन नहीं, एक भी आयत कोई नहीं दिखा सकता। मगर हम दिखा सकते हैं इस रवायत की रद्द में आयात जो बीबी ने सामने दरबार में पढ़ी। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लज़िक्र मिस्लु हज़्ल उन्सैयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है। पहली यह सुनिएगा, अल्लाह ताला युसीकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला वसीयत करता है, फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में, क्या मिस्लु हज़्ल उन्सैयैन, कि दो औरतों के मुकाबले में लड़के का एक हिस्सा, यानी दो औरतों के मुकाबले में मर्द का एक हिस्सा, यानी कि एक मर्द के मुकाबले में जो हिस्सा आता है उसको दो पे तकसीम किया जाए तो दो मस्तूरात के हिस्सा बनता है। ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला कह रहा है जो तुम छोड़ के जाओ उसमें लड़कियों दो लड़कियों के मुकाबले में लड़के का एक हिस्सा, युसीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है। आगे फिर आयत फिर सूरह निसा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वालिकुल्ले जालनल मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून, लिकुल्ले जालना, हमने हर किसी के लिए बनाया मवालिया, वाली वारिस बनाए, इसमें मिम्मा उसमें से तरका उस तरके में से, मिम्मा तरका जो के छोड़ के जाएं वालिदैन
वल अकराबून और करीबी रिश्तेदार, यानी वालदैन छोड़ के जाएं, उसके अल्लाह ताला ने पीछे वारस बनाए, औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, ये उनकी ये विरासत है, ये वारिस हैं। कुरान की आयत है। जब बीबी ने ये आयत पढ़ी तो बीबी ने कहा, ये कहाँ लिखा है कि सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के हमने हर निकुल जालना, हमने हर किसी के लिए, इल्ला मोहम्मद आयत में नहीं है कि सिवाय मोहम्मद की जात के हमने हर किसी के वालदैन के औलाद वारस बनाई है। वल अकराबून और रिश्तेदार, यानी कि क्या माना कि अगर एक आदमी मर गया है उसके पीछे औलाद नहीं है, उसके भतीजे हैं, उसके भाई हैं, उसका बाप अगर जिंदा है और उसके भांजे भांजियाँ जिंदा हैं, बहनें जिंदा हैं, एक विरासत के सिलसिला में ये एक तसलसल से है कि उसके कौन कौन वारस हैं। लिकुल हमने हर किसी के बनाए। दो नंबर आयत। अब तीसरी आयत, लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून, ये आयत का मफहूम भी वही है कि हमने हर किसी के लिए निसाब बनाया है, हर इंसानों के लिए, लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान, को जो वालिदान और करीबी रिश्तेदार छोड़ कर जाएँ, हमने उसका एक निसाब बनाया है कि पीछे कौन कौन किस किस के वारिस बनते हैं। ये आयत होगी। अब यहाँ पर अगर कहा जाए नकवी साहब, जो आपने तीनों आयात पढ़ी हैं ये तो आम मुसलमानों के लिए हैं, क्योंकि पीर मक्की अल हिजाजी साहब जो काबा में बैठकर, मक्का में बैठकर इतने झूठों के वो पुल बांधते हैं कि उन्हें रखा ही यही गया है कि आले सऊद की वो हड्डियां न खाई हुई झूठी हड्डियों को चूस चूस कर जो उनकी जबान बोलता है वो बिठाए इसलिए गया है कि उसके बाद शियत और हमारे बरेली भाइयों के खिलाफ बोलना है, और जितने झूठे प्रोपेगंडे करने हैं जो उसको उसी के लिए दिरहम और दिनार दिए जाते हैं। उसने भी कहा ये जो शिया जो आयात पढ़ दें ये तो आम लोगों के लिए ठीक है, अगर कहा जाए ये आम लोगों के लिए है तो हम फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम की आयात पढ़ देते हैं कि अम्बिया के वारिस हैं। हदीस क्या है कि अम्बिया के वारिस नहीं होते, जो छोड़ के जाएँ वो तरका होता, ना हम अम्बिया किसी को वारिस बनाते हैं ना हम अम्बिया किसी के वारिस बनते हैं। लेकिन मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, वारसा सुलेमानो दाऊदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हमने दाऊद का वारस सुलेमान को बनाया है। अब दाऊद नबी हैं या गैर नबी? नबी हैं। उसका वारस कौन बन रहे? जनाबे सुलेमान बन रहे हैं, जनाबे दाऊद के वारस। अगर अंबिया का कोई वारस ना होता या अंबिया किसी के वारस ना बनते, ना खुद वो किसी के वारस होते, ना किसी को वारस बनाते, तो अल्लाह यहाँ पर जनाब सुलेमान को दाऊद का वारस ना बनाता। अल्लाह ने जनाब दाऊद के लिए सुलेमान को वारस बनाकर ये साबित कर दिया है कि कोई और तो बेवारस मर सकता है, नबी बेवारस नहीं होते। जी आगे बढ़े, फिर आपका वही दावा, वजी हदीस वजी रवायत बनाई गई के अंबिया के वारिस नहीं होते, ना वो किसी के वारिस बनते। आगे हम पढ़ते भाई, इसनादा रब्बहू रब्बे ला तज़ानी फर्दन वान्ता खैरुल वारिसीन, जनाबे ज़करिया दुआ मांग रहे हैं, काला फरमाया क्या भाई, इसनादा रब्बहू रब्बे ला तज़ानी, फरमाया कि पालने वाले तू मुझ ज़करिया को तनहा बे औलाद ना रख, वान्ता खैरुल वारिसीन, बेशक तू सबसे बेहतर वारिस है। जनाबे ज़करिया क्या मांग रहे हैं? वारिस मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अल्लाह के हुजूर। ज़करिया कौन है? बरगजीदा नबी है, साहब कलाम है, साहब शरीयत है, साहब तरीकत है, साहब नबुवत है, साहब कलिमा है, साहब अज़ारो अरकान है, साहब उम्मत है, साहब नबुवत है, अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी हैं, बरगजीदा हैं, चुने हुए हैं, नबी हैं, दुआ मांग रहे हैं, रब्बे ला तज़ारनी फर्दन वान्ता खैरुल वारिसीन, पालने वाले तो मुझ ज़करिया को तनहा बे औलाद ना रख, बेशक तू सब वारसों का बेहतर वारस है। और जब जनाबे ज़करिया ने विरासत के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ने जनाबे ज़करिया को रोका नहीं, झिड़का नहीं, मना नहीं किया, डांटा नहीं कि क्या हो गया ज़करिया, नबी होते हुए वारिस मांग रहे हो, साहब नबुवत होते, साहब तरीकत होते हुए, साहब अरकान होते हुए, मेरा बरगुज़ीदा नबी होते हुए विरासत की दुआ मांग रहे हो, वारिस मांग रहे हो, जब तुझे पता नहीं कि उलमाए मिल्लत इस्लामिया का ये फतवा है सन 2020 में, डॉक्टर अशरफ जलाली कह देगा कि नबी के कोई वारिस नहीं होते, नबी ना वारिस बनते ना बना के जाते हैं, और तू मांग रहा है वारिस। अल्लाह ने जनाबे ज़करिया को रोका नहीं, झिड़का नहीं, नबी था, प्यारा था, बरगजीदा था, नबियों की विरासत के लिए अल्लाह ने कुरान में दलील दे रही थी, इधर दुआ मांगी विरासत की, फौरन अल्लाह ने इरशाद फरमाया फस्त जब नालहू वाह नालहू यहिया, कि ऐ मेरे प्यारे ज़करिया तूने वारिस मांगा है ना,
मैंने तुझे यहया जैसा फर्जंद अता कर दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यह है कुरान की हक्कानियत और वो है एक रवायत। यह कुरान की आयत उस रवायत का रद्द कर रही है, पोस्टमार्टम कर रही है, उड़ा रही है जो कि एक वक्त की जरूरत तहत बनाएगी। ये नबी ने विरासत की दुआ मांगे, रोका नहीं, वारस दे दिया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली आयत व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिम वराई व कानत इमराती आकिरन फहबली मिल लदुनका वलियन यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब। अब ये इरशाद कुदरत हो रहा है, कौन मांग रहे हैं? फिर जनाब ज़करिया की एक और दुआ सामने आ रही है, फरमा रहे हैं कि इवैनी खिफ्तुल मवाली मिम वराई व कानत इमराती बारे इलाहा, मैं इस खौफ से हूँ कि मैं डर रहा हूँ कि मेरी बीवी आकिरा है, बांझ है, मुझे औलाद चाहिए, मुझे अपना वारिस चाहिए। तो बारे इलाहा तू तो बड़ा करीम है, मुझे मेरी बांझ बीवी है, मुझे बेटा चाहिए, मुझे ऐसे ही औलाद चाहिए, हो कौन हो? अब देखें एक एक लफ्ज़ बात याद है कि ला नोरस वला योरस मा तकना सदका तो नहरुल माशुल अंबिया, कि हम अंबिया ना किसी के वारिस बनते हैं ना हम किसी को वारिस बनाते हैं। बीबी ये तेरे बाबा की हदीस है, तू उसकी बेटी है, अंबिया के वारिस नहीं है, उसके विरासत नहीं होती। अब यहाँ पर इस हदीस की रद्द के लिए अल्लाह ने आयत दी हुई है, मैं आपके सामने तिलावत की है। अब यहाँ पे फाब ली बस मुझे अता कर, ली मुझे अता कर, मिलना दुन का अपनी तरफ से, जनाब ज़करिया कह रहे हैं क्या, वलियन एक ऐसा मेरा वली, मेरा वारिस, मेरा जानशीन, जानशीन क्या, मिलना दुन का फाबली मिलना दुन का वलियन एक ऐसा मेरा जानशीन बना दे बेटा मुझे अता फरमा, क्या यार सोनू जो कि मेरा वारिस हो। कौन कह रहा है? नबी क्या कह रहा है? जो मेरा वारिस हो, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा कि जो मेरा वली हो, यार सोनी मेरा वारिस हो, वह यार सो मिन आले याकूब, उससे वो मेरा ही वारिस ना हो बल्कि आले याकूब का भी वो वारिस हो। याकूब भी नबी है, उसके विरासत के लिए भी जनाब ज़करिया नबी दुआ मांग रहे हैं। अब यहां पर दो तीन चीजें हमारे सामने, मिल्लत उनका अपनी तरफ से बना दे, यानी कि खुद नहीं मांग रहे, अल्लाह से मंगवा रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वलियन मेरा वारिस, यारिसो जो मेरा भी वारिस हो, व यारिसो मिन आले याकूब, वो आले याकूब का भी वारिस हो। अब यहां पर फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम एक और आयत पढ़ते हैं, आयत सूरह बकरा में। अब यहां पे आयत आपके सामने, वकाल लहुम नबीयुम, उनके नबी ने उनसे कहा, इन्ना आयतन, उसकी निशानी ये है मुल्क ही के उसके बादशाह होने की, ये आयत है, यातियकुम ताबूत फी है सकीनतुन, कि उसके नबी होने की ये निशानी है, बादशाह होने की उसकी ये निशानी है कि एक तुम्हारी तरफ ताबूत सकीना आएगा। ताबूत सकीना सब जानते हैं, मैं रब्बेकुम तुम्हारे रब की तरफ से एक ताबूत सकीना आएगा, वह बकिया तुन, यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँ जरा गौर की, वह बकिया तुन उसमें बाकियात होंगी, मिम्मत तरह का आलो मूसा व आलो हारून, उस ताबूत सकीना में बाकियात होंगी, बकिया होगा, मिम्मत तरह का, देखिए यहाँ पर भी तरका है, वहाँ पर कहा था कि अम्बिया तरका छोड़ के नहीं जाते, यहाँ पर देखे लफ्ज़ तरका मिम्मत बकिया तुन तरका, यहाँ पर मिम्मत तरह का आ गया, आलो मूसा जो कि तरका होगा, आलो मूसा का और आले हारून का, तहमिलहुल मलाइका, देखें नबी की विरासत की हिफाजत मलाइका करता है, तहमिलहुल मलाइका उसको मलाइका उठाए हुए होंगे तबूत सकीना को, इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यहाँ पर मिम्मा तारक आलो मूसा व आलो हारून, कि उस तबूत सकीना में होगा क्या, जनाब मूसा की आल का, मूसा का और उसकी आल का, जनाब हारून और उसकी आल का तरका होगा। अब अगर नबी जो तरका छोड़ के जाते हैं अगर वो सदका है, तो अल्लाह ने यहाँ पर आलो मूसा और आलो हारून को तबूत सकीना का मालिक क्यों बनाया, यानी कि नबियों की आल मान रही है, नबियों के तरके की वारिस। अब तबूत सकीना में क्या था? तबूत सकीना में था जनाब मूसा, क्या मूसा का असा था, जनाब मूसा की तलवार और जनाब हारून की तलवार, जनाब मूसा का कमीज और जनाब हारून का कमीस, यहाँ तक जूतियाँ तक तबूत सकीना में मौजूद थी, और फिर तौरात की वो तख्तियाँ भी इसमें मौजूद थी, अम्बिया अलैहिस्सलाम के सोहफा के कुछ नुस्खे भी इसमें मौजूद थे। अब तबूत सकीना के वारिस मार रहे हैं आलो मूसा व आलो हारून और बाद में आने वाली औलाद,
अगर अंबिया के कोई वारिस नहीं है तो अल्लाह ने यहाँ पे क्यों कहा कि मिम्मा तरका आल मूसा वबकियतुन मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून। ये अल्लाह ने कह के ये साबित कर दिया है कि नबी बे वारिस नहीं होते, नबियों के वारिस होते हैं। अब यहाँ पे मैं अगली आयत आपको पेश कर रहा हूं, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, सूरतुल बकरा, क्या मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, बेशक तू सैयदुल अंबिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम का सरदार, कायनात का वजह तख्लीक गाया है आप हैं, कायनात की वजह, कायनात का तख्लीक आना आप ही की वजह है, आप ही का सदका, पूरी कायनात आपके सदके में बनी है, लो ला कलमा खलकुल अफलाक, कि अगर मैं तुझे खलक ना करता, कायनात की कोई शेख खलक ना करता, बेशक तेरी शान यही है, मगर तुम्हारे लिए क्या है पैरवी किसकी है, कुल बल मिलत इब्राहिम हनीफा, कि अगर तेरे लिए किसी की पैरवी करना है, सुन्नत है, तो वो जनाब इब्राहिम की सुन्नत है। और यही वजह कि हमारा सारा दीन सुन्नत इब्राहिमी पर मुहित है, हमारी कुर्बानी, हमारा हज, हमारा बैतुल्ला, हमारी नमाज, हमारा दरूद, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारी नमाज, हर चीज़ हम इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करते हैं, वही सुन्नत रसूलुल्लाह की है, इसलिए हम सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं। ये है इब्राहिम की शान। और इसी इब्राहिम को अल्लाह कह रहा है वइन्ना मिन शियतिही लइब्राहीम, इब्राहिम उनके शियों में से एक शिया। अब जनाब इब्राहिम से पूछते हैं कि अंबिया के वारिस होते हैं या अंबिया बगैर वारिस के चले जाते हैं। अब जनाब इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं, काला रब हबली मिनस सवालहीन, जनाब इब्राहिम कह रहे हैं कि ऐ पालने वाले तू मुझे इब्राहिम को सवालहीन में से एक फर्जंद अता फरमा। इधर जनाब इब्राहिम का फर्जंद मांगना था, बेटा मांगना था, वारिस मांगना था, फौरन अल्लाह ने शाद फरमाया फबशे नाहो में गुलाम हलीम, हमने तुम्हें बड़े नरम दिल बेटे के पैदा होने की खुशखबरी दी। अब जनाब इब्राहिम के दो वारिस सामने, एक जनाब इस्माईल और एक जनाब इब्राहिम। अब कहा जाता है नबी जो छोड़ के जाए वो तरका होते हैं। जनाब खुल्लत इब्राहिमी एक आप मिलती है, वो कमीज है इब्राहिम की, कि वो इब्राहिम की कमीज नस्ल दर नस्ल विरासत के तौर पर औलाद में आती रही। जनाब यूसुफ ने, जनाब यकूब ने पहनी, इसहाक ने पहनी, जनाब यकूब ने पहनी, फिर जनाब यकूब ने जनाब इस यूसुफ को दी। और जब जनाब यकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपने बेटे के गम में जब रो रो के आंखों की बिनाई ख़त्म करवा ली, तो वही कमीज इज़हबिला कमीसी, कमीज़ को मेरी ले जाओ और जाके यकूब की आंखों पे डाल दो। जैसे ही वो कमीज़ आई नबी की आंखों पे लगी तो नबी की बिसारत वापस आ गई। ये क्या है, ये तरका है। कमीज तो ज़कात में दी नहीं, अगर नबियों का विरसा तरका होता, ज़कात होती तो दे दिया थी। नहीं, अब यहाँ पर मुझे हक के एतराज़ यही है कि आपने वज़ई हदीस बयान की गई, और वज़ई हदीस बयान करने वाला कौन है, बुखारी, इमाम बुखारी है, और इमाम बुखारी वो है कि जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये मुतशद्दद है, अहले बैत के लिहाज से ये मुतशद्दद है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फिक मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इत्तिबा अहले बैती, कि मैं तुम्हारी तरफ दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। यह सवाल मैं आपने जिक्र करता जा रहा हूँ। ज़िंदगी बख़ैर तीसरे क्लिप में हम आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, आदि इससे हम साबित करेंगे कि हक़ ज़हरा फदक बीबी का हक़ था। इसमें आप जितने चाहें सैकड़ों रवायात आपकी हजूर पेश करने के लिए तैयार हैं, जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें मुआवजा करने के लिए तैयार हैं। सुनो फरमाया तुम्हारे लिए दरमियान में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक मेरी अहले बैत है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी किताबों में आप लोगों ने कितनी अहादीस अहले बैत पैगंबर से ली है, जनाब इमाम हसन से कितनी ली है, जनाब हुसैन से कितनी ली है, जनाब जहरा से कितनी ली है, और मौला अली से कितनी ली है। तो यकीनन ये ना लेने का हम अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमने दीन को दार बदर से लिया है, इलम के दार से नहीं लिया। परवरदिगार आलम हमें सही मानों में सीरत अहले बैत पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। नबी की बेटी का फदक कल भी हक था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हक है, और सुबह क़यामत तक हक रहेगा। इस हक पर हम आने वाली वीडियो में इंशा ताला आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ से हम जो बात अगली क्लिप में शुरू करेंगे उस मौजू पे आएंगे जो कि दाता साहब की किताब के हवाले से जलाली ने एक हवाला दिया, और पीर साहब गुलड़ा शरीफ महर अली साहब की किताब का हवाला दिया, और फिर आदेश की किताबों से हम हवाले देंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।